जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्लास को कवर करने वाले हैं। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और वो भी नोट्स के साथ हैं, ठीक है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, उसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम दृश्य व अदृश्य मदों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर मुझे किताब प्रोवाइड करा दीजिए, तो यह किताब आ गई है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बीए फिफ्थ सेमेस्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, इसमें आपका दोनों पेपर है, ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों है। अब बिल्कुल हिंदी में है, ठीक है, याद रखेंगे इसे हिंदी में है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको, ठीक है, मैसेज करना है हाय जीके जीएस वाला, वो दुकान वाला दोस्तों आपको अपना बारकोड भेज देगा, ठीक है। उस पर आपको मात्र 50 रुपये भेजना है, ठीक है, मात्र 50 रुपये पे करना है, वो आपको पूरी बुक का पीडीएफ भेज देगा, ठीक है। तो जिसको भी लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दिया है दोस्तों, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा आर्थिक विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के दौरान एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड को रखता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। इस विवरण में व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और सरकार द्वारा किए गए सभी लेन देन शामिल होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइम में भी ये क्लास आपको हेल्प करेगा और सब्जेक्टिव टाइम में भी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, आपके एग्जाम में पूछेगा कि भुगतान संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो भुगतान संतुलन जो होते हैं वो, इनकी मुख्य 3 श्रेणियाँ होती है, कौन कौन सी, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता, ठीक है। याद रखिएगा भुगतान संतुलन को BOP भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा है दोस्तों, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, धनात्मक संतुलित रहता है, असंतुलित रहता है या फिर ऋणात्मक संतुलित रहता है। तो जो भुगतान संतुलन होता है वह सदैव संतुलन रहता है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 इसमें देखते हैं, किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को कहा जाता है, तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। किसी देश के माल और सेवाओं के आयात और उसके निर्यात के बीच अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी लिखा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, आयात कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा आयात के 2 बुनियादी प्रकार हैं, कौन कौन से, औद्योगिक और उपभोक्ता सामान, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, भुगतान संतुलन का साम्य किसी देश का प्रतीक है, किस देश का प्रतीक है भुगतान संतुलन, तो आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता का, ठीक है, प्रतीक है। किसी भी देश के लिए दोस्तों भुगतान संतुलन क्या है, आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5 इसमें आपका पूछा है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है जब ब्याज की देय राशि उसके प्राप्त आय से कम हो, आयात निर्यात से अधिक हो, इसमें दोनों हो जाएंगे, ठीक है। भुगतान संतुलन का प्रतिकूल हो सकता है जब ब्याज की देय राशि प्राप्त आय से कम हो और आयात निर्यात अधिक हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, जब चालू खाते में जमा नाम पक्ष से अधिक रहता है तो भुगतान संतुलन होगा, तब भुगतान संतुलन अनुकूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। ISWA को कब औपचारिक रूप दिया गया,
इसबा को 6 जून 2003 को औपचारिक रूप दिया गया। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों इसबा क्या होता है, तो मैंने नोट्स में नीचे लिखा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसबा के बारे में, ठीक है। नोट करिए यहाँ पे, 6 जून 2003 को ब्राजील घोषणा पत्र के तहत इसबा IBSA की स्थापना हुई। IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच, ठीक है। ऑप्शन में भी दे सकता है और ये भी पूछ सकता है, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका होता है IBSA का फुल फॉर्म, इसे इसबा बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसबा का अध्यक्ष कौन है, भारत है, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों इस समय वर्तमान में इसबा का अध्यक्ष हमारा प्यारा देश भारत है, याद रखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है दोस्तों, ब्रिक्स का गठन कब किया गया, ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? तो सन 2009 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिक्स में अभी 5 देश हैं, कौन कौन से, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से हमारा रूस हो जाएगा, आई से हमारा प्यारा इंडिया हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब इसमें 6 और देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि वह 6 देश कौन से हैं, तो याद रखिएगा 6 देश में से दोस्तों ऑप्शन में 4 देशों का नाम देगा जिसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से एक देश कोई और रहेगा, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो नोट करिएगा यहाँ, ब्रिक्स में 6 नए देशों को एंट्री मिल गई है, कौन कौन है वो, ईरान है, अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है और सऊदी अरब, ठीक है, ब्रिक्स में शामिल होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने लोग जो हैं वो यूपीपी का फॉर्म भरे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उसका भी तैयारी करा दूंगा। GKGS मेरे पास प्रीवियस ईयर के GKGS के क्वेश्चन बैंक है, मैं वो अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जिस तरह से ये पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से पढ़ा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2023 में, तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 इसमें आपका पूछा है, ब्रिक्स में कितने देश सम्मिलित हैं, अभी ऊपर आप पढ़े हैं दोस्तों ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है दोस्तों, ब्रिक्स में सम्मिलित देश हैं ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो नोट्स में जो पढ़ाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब से प्रभावी हुआ, तो यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ये क्या होता है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें कह रहा है दोस्तों, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जिसे साप्टा कहते हैं, ठीक है, उन 7 दक्षिण एशियाई देशों का एक समझौता है जिसके तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, यानी सार्क में कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का गठन किया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों, साप्टा के उद्देश्य को पूर्ण करने वाले उपकरण है, व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम, उत्पत्ति के नियम, संस्थागत व्यवस्था, तो ये तीनों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, ठीक है। साप्टा क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों साप्टा के बारे में, हाँ मैंने लिखा है, ठीक है, नोट्स में ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जिसे साप्टा कहते हैं, ठीक है, साप्टा का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा इसे, ठीक है, ये हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, ये अगर इंग्लिश में दे देगा आपके ऑप्शन में तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा, साप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है।
इसमें याद रखेंगे दोस्तों, साप्टा ने पूर्व के दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार समझौते यानी सार्क प्रोफेशनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साप्टा का स्थान ले लिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य सार्क सदस्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्क को कम करना है, ठीक है। साप्टा का फुल फॉर्म यहाँ इंग्लिश में दिया है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक एकीकरण का उदाहरण है, आप्टा है, यूरोपीय संघ है और कैरी काम है, उपरोक्त सभी है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो भी व्हाट्सएप पर आपसे जुड़े हैं, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिए, 1-2 जितने भी आपसे जुड़े हैं सबको शेयर करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, कस्टम यूनियन सिद्धांत सबसे पहले दिया था, तो जैकब वाइनर ने दिया था, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा जरूर, ठीक है, नोट करिएगा। यहाँ पर यूरोप में कस्टम यूनियन का गठन कब हुआ था, तो यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ 1968 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कस्टम यूनियन का गठन कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न है यहाँ पे, कस्टम यूनियन एग्रीमेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखेंगे। सीमा शुल्क संघ 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने और टैरिफ को कम करने या खत्म करने के लिए एक समझौता होता है, ठीक है, कस्टम एग्रीमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको ऑप्शन में दे देगा, तो जब इसे आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 इसमें पूछा है दोस्तों, मिंट ने अल्प विकसित देशों के संरक्षण से संबंधित तर्क बताए हैं, लागत पक्ष संबंधी, मांग पक्ष संबंधी, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा है दोस्तों, किसने कहा है कि कृषि का संबंध आवश्यक रूप से निर्धनता से नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है, इसी प्रकार औद्योगिकरण आवश्यक रूप से समृद्ध से संबंधित नहीं है, यह इटली व स्पेन के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, यह किसने कहा है दोस्तों, तो यह जेकब वाइनर ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, धन से सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कथन है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन है एडम स्मिथ का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 इसमें दिया है आपका, निम्न में से कौन से तर्क संरक्षण के पक्ष में है और कौन से स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय स्वावलंबिता, ठीक है, यह तर्क संरक्षण के पक्ष में है, और जो एकाधिकार संघ पर जो रोक है यह स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जो तर्क संरक्षण है वह राष्ट्रीय स्वाविलंबिता से संबंधित है, और जो स्वतंत्र व्यापार पक्ष है वह एकाधिकार संघों पर रोक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, जब सरकार विदेशी व्यापार को अपने हाथ में ले लेती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो राजकीय व्यापार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पूछा है दोस्तों, अन्य देशों की तुलना में एक उच्च मजदूरी स्तर तभी बनाए रखा जा सकता है जबकि एक प्रशुल्क दीवार खड़ी कर ली जाए, यह कथन किस अर्थस्वामी का है, तो यह कथन है हैबरलर जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है, स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत थोड़े से कर लगाए जाते हैं किंतु उनका उद्देश्य क्या होता है, तो उनका उद्देश्य होता है आय प्राप्त करना, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पूछा है, स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाने पर वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में क्या आएगा, भेदभाव करना होता है या फिर बाजार का विस्तार करना होता है या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो यही सही है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निम्न में से स्वतंत्र व्यापार का लाभ नहीं है, बाजार का विस्तार, शिशु उद्योग संरक्षण या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या कोई नहीं, तो जो स्वतंत्र व्यापार का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, तो शिशु उद्योग संरक्षण, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, संरक्षण की नीति के अंतर्गत आता है, संरक्षण की नीति के अंतर्गत क्या आता है? तो विदेशों से आने वाले माल पर लाइसेंस तथा कोटा प्रणाली के द्वारा रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं, ठीक है। आयातों पर कर लगा दिया जाता है और कुछ उद्योगों को सरकारी उत्पादन दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।